दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टेम्पलेट मास्टर डॉट कॉम। दोस्तों यहां से आप जो है एक महीने में सीख सकते हो कि आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हो। दोस्तों यहां से आपको टोटल 5 स्टेप में सिखाया जाएगा कि आप कैसे खुद का ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। दोस्तों यहां से बेसिक चीज़ें सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसको करने के लिए आपको सिंपली से यहां से आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। देन दोस्तों आप जो है यहां पे अपना जो है ज्वाइन के ऊपर प्रेस कर दोगे तो आपको पर डे एक ईमेल आएगी जहां से आपको सिखाया जाएगा कि आप खुद का कैसे ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, जाकर के चेक करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों ये आ गया है हमारा संडे कमेंट बॉक्स का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें कि दोस्तों मैंने आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का आज इस वीडियो पे आंसर करने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा आपके सवाल का आंसर करने की। तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले चलेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि उदित टेक एंड म्यूजिक की तरफ से पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि मनोज भाई मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूं कि उस चैनल को मैं छोड़ के न्यू चैनल खोल लूं या फिर उसी को रेगुलरली काम करता रहूं। और मुझे वो कह रहे हैं कि संडे कमेंट बॉक्स लगातार लाते रहिए और वेडनेसडे कमेंट बॉक्स भी चालू कर दीजिए। तो सबसे पहला तो मैं संडे कमेंट बॉक्स रेगुलर लाने की कोशिश करूंगा। और बात रहा जिसने आपने कहा कि अभी तक आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, तो अगर आपका 3 महीने से अगर ज़्यादा हो चुका है और अभी तक अगर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है तो मेरा सजेशन था अगर आप मानोगे तो आप न्यू चैनल क्रिएट कर लीजिए और उस चैनल पर अच्छे तरीके से काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों अभी 1 महीने के अंदर में ही आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो नया चैनल बना लेना ज़्यादा बेटर रहेगा और इस चैनल को भी आप रहने दीजिए, इस पर भी काम कीजिए और न्यू चैनल भी खोल लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि पूछा है कुमार प्रिंट्स ने। ये पूछ रहे हैं मनोज भाई थंबनेल के नीचे एग्जांपल मनोज दे व्यूअर्स आल्सो वॉच दिस चैनल क्यों लिखा होता है। तो गाइज अगर ऐसा होता है कि कभी कभी देखिएगा आप किसी का वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो के नीचे लिखता है कि मनोज दे व्यूअर आल्सो वॉच, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप जिस वीडियो को देख रहे हो उस वीडियो को मेरे व्यूअर्स भी देखते हैं, मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी देखते हैं, यही मतलब होता है, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और ये पूछे हैं मुनमुन बिहारी ऑफिशियल। मनोज भाई जी आप वीडियो एडिटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं वीडियो एडिटिंग के लिए अभी लैपटॉप यूज करता हूँ और मेरे लैपटॉप पर डाला हुआ है फिल्मोरा का वंडरशेयर फिल्मोरा, ठीक है। वंडरशेयर फिल्मोरा से मैं करता हूँ अपने वीडियोज़ को एडिट। अब चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछे हैं डीजे सॉन्ग मिक्सर, बोल रहे हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मनोज दे भाई आप किस कंपनी का लैपटॉप यूज करते हो, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा मेरा जो ये लैपटॉप है ये है एचपी का, मैं एचपी का लैपटॉप यूज करता हूँ। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछे हैं ईमान ए ट्रेंडिंग, भाई चैनल अंडर रिव्यू में हो तो कब तक नॉर्मली रिप्लाई आ जाता है यूट्यूब का, मैं पाकिस्तान से हूँ रिप्लाई प्लीज। तो गाइज मैं बताना चाहूंगा अगर आपका चैनल अभी अगर इस वक्त में अगर आपका थ्रेशोल्ड पूरा होता है जो कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स, तो आपका जो है अगर अंडर रिव्यू में चैनल जिस दिन जाएगा मतलब आज अगर गया तो अगले 30 डेज के अंदर मतलब कि 1 महीने के अंदर में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा और उसमें कह दिया जाएगा आपको कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। अगर नहीं होगा फिर भी ईमेल आ जाएगा और होने का रहेगा तो हो जाएगा। तो मतलब 1 महीने के अंदर भी आप अंदर ही जो है आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा अभी अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाता है तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और ये पूछे हैं एमजी आर्ट्स, आप 11th में क्या लिए थे कॉमर्स साइंस आर्ट्स प्लीज कमेंट्स प्लीज रिप्लाई। तो मैं बताना चाहूँगा मैं 11th में मैंने लिया था साइंस, मैंने अपना इंटर जो है आईसी से कंप्लीट किया हुआ साइंस लेकर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और ये पूछे हैं टेक सपोर्ट आसिक, मनोज भाई मेरा क्वेश्चन आप कभी नहीं पिक करते हो, तो चलो भाई आज मैंने कर लिया। आप कोलकाता मीटअप कब करोगे, जल्दी रिप्लाई करो। तो देखिए मैंने जो है दिल्ली मीटअप किया, फिर मैंने अपना धनबाद मीटअप किया, तो अब जो है मुझे मीटअप करना है। तो अभी मैं कोलकाता या फिर पटना बिहार इन दोनों में से कहीं एक जगह करने वाला हूं। तो कोलकाता के कितने व्यूअर्स हो अगर आपको मीटअप चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मीटअप करवाना हो तो मैं फिर सोचूंगा, आप लोग कमेंट करना कौन कौन कोलकाता से हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछे हैं सरोज, बोल रहे हैं मनोज भाई आप कार कब ले रहे हो। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कमेंट जो है उस एसी वाले वीडियो पे आया है जो कि मैंने ब्लॉग चैनल पर डाला हुआ है। तो देखिए सरोज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी कार लेने की कोई भी मेरी प्लानिंग नहीं है और कार लेना इतना आसान बात नहीं होता है, कार जो है बहुत ही महंगे प्राइस में आता है और उसको लेना इतना आसान नहीं है। तो इन फ्यूचर में अगर कभी लेने की सोचूंगा तो आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगा, मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगा और आप लोग इन्फॉर्म भी दूंगा कि मैं कार ले रहा हूँ, बट अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है और अभी मैं ले भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं हो जा रही है कि मैं कार ले पाऊँ। तो चलिए इन फ्यूचर कभी लेंगे तो आप लोग जरूर बताएंगे, वो भी एक सपना ही है, तो देखते हैं कब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछे हैं सफल सेखन,
भाई मेरा एक वीडियो पर कॉपीराइट आ गया है, मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है, कॉपीराइट से कुछ मतलब है मोनेटाइजेशन का? तो देखिए, कॉपीराइट अगर आपका क्लेम आया हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्राइक भी आया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। क्योंकि मेरे गाँव में एक दोस्त का एक चैनल था जिसका कि कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ था अपने चैनल पर, फिर भी उसका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल देते हुए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इनेबल हो जाएगा अगर आपका चैनल अच्छा है, साफ सुथरा है, तो हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये पूछे है पिजन लवर आर के, ब्रो पिक जरूर करना मैं हमारा क्वेश्चन, 18K सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल पे, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है या नहीं? तो देखिए, स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए आपका जो है सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करता है, सब्सक्राइबर्स डिपेंड नहीं करता है कि आपका स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि नहीं, स्पॉन्सरशिप डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे। अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स है और आपके पर वीडियो में 1000 व्यू आता है तो भी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, और आपका मान लीजिए 1,00,000 सब्सक्राइबर्स और आपको 700-800 भी व्यू नहीं आता है, 1000 भी व्यू नहीं आता है, तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। तो स्पॉन्सरशिप डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे, तो आप देखिए आपके चैनल पे कितने व्यूज़ आते हैं, और अगर अच्छा व्यूज आता है तो स्पॉन्सरशिप जरूर मिलेगी। आप अपने अबाउट सेक्शन पे आप एक ईमेल दे देना जो कि बिजनेस इंक्वायरी के लिए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये पूछे हैं म्यूजिकल मोहित, भाई मैं कवर सॉन्ग डालूंगा तो मेरे को कॉपीराइट तो नहीं आएगा? तो देखिए, कवर सॉन्ग डालते हो तो कॉपीराइट नहीं आएगा, सिर्फ क्या करना कि डिस्क्रिप्शन पे ओरिजिनल जो सॉन्ग होता है उस ओरिजिनल क्रेडिट को दे देना, उसका सिंगर कौन है, लिरिक्स कौन लिखा है और कौन से कंपनी ने उसको लॉन्च किया है, तो ओरिजिनल क्रेडिट जो है डिस्क्रिप्शन पे दे देना, आपका कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये पूछे ओम चौरसिया, मनोज दे जी आपके तो जल्द ही 500K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जल्द ही हो जाएंगे, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली माता और पिता को देखना चाहता हूँ जिनके आप तारे हो। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कमेंट पे। तो ये कह रहे हैं कि आपको 500,000 सब्सक्राइबर्स कब होगा, और ये कह रहे हैं कि जल्द हो जाएगा क्योंकि मुझे आपके मम्मी पापा से मिलना है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा है कि मेरे 500,000 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे इस चैनल पर, तो मैं जो हूँ अपने मम्मी पापा के लिए लेकर आऊँगा चैनल पर, एक ब्लॉग बनाऊँगा और आप लोग को उनसे मिलवाऊँगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, तो कर लेना, 500K जब भी हो जाएंगे मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा और अपने मम्मी पापा को आप लोगों को जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, ठीक है, ये मेरा वादा रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये पूछा है म्यूजिक लवर, भाई एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें चैनल बनाने से लेकर यूट्यूब फुल सेटिंग बताओ, मतलब सब कुछ, न्यू यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, प्लीज़ न्यू टाइम रिप्लाई जरूर करना, बताओ ब्रो, लव यू। तो लव यू टू ब्रो, और आप ये इनका कहना है कि मैं शुरू से बेसिक चीज़ें बताऊं कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आप लोग का क्या कहना है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पर। अगर आप लोग को इस तरह की सीरीज चाहिए तो मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा, एकदम स्टार्टिंग से चैनल बनाने से स्टार्ट करूँगा, चैनल कैसे बनाएंगे, वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, टाइटल कैसे देते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं, मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल करेंगे, सारा डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारा कमेंट साइज रीड करने वाला हूँ, और कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पूछा है आर्यन गर्ग, भाई एक वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखने से वॉच टाइम और व्यूज बढ़ते हैं? तो जी बिल्कुल बढ़ते हैं, आप जितना बार वीडियो को देखोगे उतना बार व्यूज भी बढ़ेंगे, और जितना बार देखोगे उतना बार वॉच टाइम भी बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सारे क्वेश्चंस जो है मैंने इस वीक पिक किए हुए थे, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस नीचे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।